Hello children, how are you? In this video I'll explain you exercise 5 of chapter 3. This is your last exercise of this chapter. Now come the topic. My topic is International Place Value System. This system is followed by a large number of countries in the world. In this system we write 1 lakh equal to 100,000, 10 lakhs equal to 1 million, 1 crore equal to 10 millions, and 10 crore equal to 100 millions. Now come International Place Value Chart. From right to left, first 3 places make 1's period, next 3 places make 1000 period, and the next 3 places make million period. Is that clear? मैं आपको समझाती हूँ. इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में जो स्टार्टिंग के 3 प्लेसेस हैं वो 1's पीरियड बनाते हैं, उसके नेक्स्ट जो 3 प्लेसेस हैं वो 1000 पीरियड्स बनाते हैं, नेक्स्ट जो 3 प्लेसेस हैं वो मिलियन पीरियड बनाते हैं. इज दैट क्लियर? तो ये 1's, 10's, 100's, 1000's, 10,000's, 100,000's, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन. इज दैट क्लियर? नाउ कम क्वेश्चन नंबर 1. Question number 1 is, rewrite the following numerals, write proper commas using the international system. हमें ये जो giving numbers हैं, इसको proper comma put करके separate करना है, किसके according? International system के according. Is that clear? आपका जो A portion मैं आपको solve करके दिखा देती हूँ. Similarly, you can solve remaining parts of this question. Is that clear? See, 1's, 10's, 100's. कौन सा पीरियड है ये? 1's पीरियड है. थाउजेंड, 10,000, 100,000, 1000 पीरियड है. मिलियन, 10 मिलियन. मैंने क्या किया, ये जो नंबर है इसको प्लेसेस, इसके जो प्लेसेस हैं उनको उनके पीरियड्स के अकॉर्डिंग सेपरेट कर लिया, और जहां सेपरेट किया वहीं कॉमा पुट कर लिया. कहने का मतलब है हम कॉमा वहां पुट करते हैं जहां आपका एक पीरियड क्या होता है, फिनिश होता है, और दूसरा स्टार्ट होता है. ठीक, यानी पीरियड को कॉमा से आप क्या कर सकते हैं, सेपरेट करते हैं. ठीक, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? मैंने क्या करा है, सारे पीरियड्स को उसके कॉमा के से क्या कर लिया है, सेपरेट कर लिया. 1's पीरियड से ये 1000 पीरियड से ये मिलियन पीरियड है, कॉमा पुट करके इसको सेपरेट कर लिया. ये देखिए, ये मैंने आपका चार्ट है, आपका इसमें मैंने सॉल्व किए, आपका मैंने 1's, 10's, 100 कॉमा पुट किया है, 1000, 10,000, 100,000 कॉमा पुट किया है, मिलियन, 10 मिलियन. इज दैट क्लियर? नाउ कम क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज, राइट द नंबर नेम्स ऑफ द फॉलोइंग. आपका ये नंबर नेम हमें यहाँ पे लिखना है. देखिए कैसे लिखते हैं नंबर नेम. देखिए यहाँ पर 1's, 10's, 100, 1's, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, million, 10 million. ठीक, ये million का period है, ये 1000 का period है, ये 1's का period है. तो 81 कौन सा period है? Million का period है. तो 81 million. अब ये 1000 का पीरियड है, अब ये 9 कौन से प्लेस पर है? 100. तो लिखेंगे 9, 100, 23. कौन सा पीरियड है 1000 का? तो 1000 लिख देंगे. लास्ट आपका क्या है, ये 100 है, 100 हमारा क्या है, 0, इसको हम स्किप करेंगे. आपका क्या है, 54. तो 54. ठीक, तो 81 मिलियन, 81 मिलियन, 923,000, 0 है तो स्किप करेंगे. अब हमारा ये क्या है, 10 प्लेस पर है, तो 54. इज दैट क्लियर? नाउ कम नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट द फॉलोइंग इन फिगर. इसको हमें फिगर में लिखना है.
आपका क्या है 64,119,018, इसको हमें फिगर में लिखना है ठीक। तो हम कहेंगे 64 मिलियन, तो हम ये हमने लिखा 64 लिख दिया, उसके बाद क्या है 100 119 लिख दिया और डायरेक्ट क्या 18, यानी यहाँ पर 100 का कोई 100 है ही नहीं, तो हमने 100 की जगह क्या कर दिया 0 पुट कर दिया, डायरेक्ट 18 लिख दिया। मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाती हूँ कैसे। तो 64 मिलियन 64 मैंने राइट कर लिया ठीक। अभी मैं सिर्फ राइट करूंगी जो जो गिवन है, 119 और हमारा क्या है 18 ठीक। अब हमें ये देखना है, 18 हम लिख लिया, कह रहे 100 तो हम काउंट करेंगे वंस टेंस, टेंस के बाद क्या आता है 100, तो यहाँ पर हम 0 पुट करेंगे, वंस टेंस 100 ठीक, उसके बाद 1000 10000 100000 1,000,000 10,000,000। अब ये क्या है मिलियन का पीरियड है, 64 मिलियन हो गया हमारा 64 मिलियन, 119,000 119,000 हो गया। अब हमारा 18 है, 18 लिख दिया, अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो हमने 0 पुट कर दिया। इज दैट क्लियर? आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो गई है। ओके, थैंक यू वेरी मच।